रिबिया के सेमरिया विधानसभा से है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत विधायक केपी त्रिपाठी सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। साथ ही विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। वहीं विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार भी हम जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र शुक्ला, विधायक केपी त्रिपाठी सहित बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 65,000 पोलिंग बूथ के सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। हर पोलिंग बूथ पर हमारे पास कार्यकर्ता हैं और वो जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाओं और उनके लाभान्वित होने वाले कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम 160 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे और एक बार फिर सरकार। लेकिन आप देख रहे हैं विरोधी लोग किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिमरिया की जनता की ताकत ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रबलता के साथ सिमरिया के लोग खड़े हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला अपने पैरों से सिमरिया के चमन को, वो दावा कर रहे हैं सिमरिया के रहनुमाई का। वो दावा कर रहे हैं सिमरिया चाहते हैं कैलाश जी भाई साहब यहाँ से सिमरिया से भाजपा की विजय का मन में ये लेकर जाए कि आप सब प्राणपण से जुट जाएंगे। सिमरिया को रिकॉर्ड मतों से इस बार जिताना है।